नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 7 TV न्यूज। खबर है रेणुकूट की। रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही के संबंध में युवा नेता सूरज ओझा ने सौंपा ज्ञापन। जी हां, जनपद सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले रेणुकूट रेलवे स्टेशन पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा है। अब जब कहीं कहीं ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है तो रेणुकूट या उसके आसपास के रही आम जनमानस यह मांग करती है कि यहां से भी ट्रेनों की आवाजाही शुरू की जाए, जिससे आम जनमानस को यात्रा करना आसान हो सके। जिसको देखते हुए आज स्थानीय बीजेपी नेता सूरज ओझा ने पत्र के माध्यम से रेणुकूट रेलवे स्टेशन जाकर स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन। उसमें लिखा कि महोदय, रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की आवाजाही जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू कराने की कृपा करें, ताकि नगर में रह रहे लोग दूर दिल्ली मुंबई जाकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। वैसे भी इस लॉकडाउन में कितने लोगों का रोजी रोजगार छूट गया है, जिससे आए दिन नगर में चोरी लूटपाट जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रेणुकूट सोनभद्र से शिव नरेश की रिपोर्ट।